जब महादेवी जगदम्बा विभिन्न परिधानों और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार हुई तो सभी देवता एक साथ बोल उठे, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। सिंह पर सवार होते ही महादेवी रणचंडी ने ऐसी भयंकर पूर्ण गर्जना की कि जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र में तूफान आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे। संपूर्ण त्रिलोकी को भयग्रस्त देखकर महिषासुर अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया, जहां पर रणचंडी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढक कर खड़ी हुई थी। देखते ही देखते दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। सभी दैत्य अस्त्रों शस्त्रों से महादेवी को मार डालना चाह रहे थे। भगवती परमेश्वरी कुछ देर तक उनके साथ अस्त्रों शस्त्रों का खेल खेलती रही, फिर अचानक उन्होंने असुरों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। तब महादेवी का श्रेष्ठ वाहन शेर किसी जंगल में लगी आग की तरह दानव सेना में विचरण करने लगा। महादेवी भगवती के गणों के आगे मच्छर के समान नजर आने लगे। थोड़ी ही देर में महादेवी जगदम्बा ने दानवों की विशाल सेना का सफाया कर दिया। आकाश में खड़े देवता जगदम्बा माता का जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। अपने महाबली सेना नायकों को और विशाल सेना का महाविनाश करते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से देवी के गणों को त्रास देने लगा। उनकी सांसों की वेग से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर महादेवी के ऊपर गिरने लगे। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र में तूफान आ गया, जो पृथ्वी को डुबोने लगा। उसके खुरों के आघात से धरती फटने लगी। जब भगवती चंडिका देवी ने महिषासुर का प्रचंड रूप देखा तो उसे पास में बांध लिया। तभी अत्यंत क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका देवी मधु का पान करने लगी। उस समय बल और पराक्रम के नशे में मदमस्त राक्षस अपने सींग से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर महादेवी के ऊपर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। महादेवी जगदम्बा ने उसके द्वारा फेंके गए पहाड़ों को बाणों से काटते हुए कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तो खूब गरज ले, थोड़ी देर बाद मारा जाएगा, तब सभी देवता गर्जना करेंगे। बार बार मधु का पान करने से जब चंडिका देवी की आंखें लाल हो गई तो वो उछलकर उस महादैत्य के ऊपर सवार हो गई। फिर उसे एक पैर से दबाकर त्रिशूल द्वारा उसकी गर्दन पर आघात किया। घायल होने पर महिषासुर उस भैंसे के मुंह से बाहर निकलने लगा। मनुष्य के रूप में अभी वो आधा ही निकल पाया था कि महादेवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला हुआ वो महादैत्य चंडिका देवी से युद्ध करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई महादेवी चंडिका ने तलवार से उसका मस्तक काट डाला। महिषासुर का अंत होते ही सभी देवता धरती पर उतर आए और महादेवी की जय जयकार करने लगे।
काल में शुंभ निशुंभ नामक दो भाई महाप्रतापी दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्र देवता से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया तथा सूर्य, चंद्रमा, वरुण, यमराज और कुबेर के समस्त अधिकार छीन लिए। वायु और अग्नि को भी अपने अधीन कर लिया। सभी देवताओं को पराजित और अपमानित करके स्वर्ग से खदेड़ दिया। अधिकारहीन और तिरस्कृत सभी देवता हिमालय पर एकत्रित हुए। तब उन्हें जगदम्बा देवी का वो वरदान याद आया जो महिषासुर वध के बाद स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं को दिया था। तब देवी ने कहा था, कभी भी आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का तत्काल विनाश कर दूंगी। इसीलिए सभी देवता भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जब ये देवता हिमालय पर स्तुति में मग्न थे, तभी माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए वहां पर आई। वो देवताओं से बोली, आप सभी देवता यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब माता पार्वती के ही शरीर से एक अति अनुपम परम सुंदर देवी प्रकट हुई और बोली, शुंभ और निशुंभ दैत्य से पराजित ये सभी देवता मेरी स्तुति में लीन है। जगदम्बा कौशिकी देवी को जब देवताओं ने देखा तो उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर महादेवी वहां पर प्रकट हो गई। थोड़ी ही देर बाद वहां पर चंड और मुंड नामक दो दैत्य आ पहुंचे। उन्होंने माता कौशिकी देवी को सुंदर स्त्री के रूप में हिमालय पर विचरण करते हुए देखा। फिर वो तत्काल ही दैत्यराज शुंभ के पास पहुंचे और बोले, हे महादैत्य, जब सारे ही उत्तम रत्न आपके अधिकार में है तो इस सुंदर स्त्री रूपी रत्न को क्यों छोड़ रखा है? इसे भी अपने अधिकार में ले लीजिए।
चंड और मुंड की बातें सुनकर असुरेश्वर शुंभ ने सुग्रीव दैत्य को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा। हिमालय पर जाकर सुग्रीव देवी से मिला और बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ और निशुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। उनकी आज्ञा को टालने का साहस देवताओं में भी नहीं है। संपूर्ण त्रिलोकी उनके अधिकार में है। मैं उनका दूत हूं, उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें लेने आया हूं। उनका वरण करने से तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उनकी अनुकंपा से तुम तीनों लोकों की पूजनीय बन जाओगी। दूत की बातें सुनकर कल्याणमयी भगवती दुर्गा जी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, हे दूत, तुम्हारे वचन सत्य हैं, अच्छे हैं, मगर मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। देवी की बातें सुनकर दूत बोला, जैसे तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर मेरे पास आए हो, वैसे ही मेरा संदेश भी उनके पास तक पहुंचा दो, फिर जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। संदेशवाहक सुग्रीव दैत्य वापस शुंभ के पास आया और अक्षर सह सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। देवी द्वारा कहे गए वचन सुनकर शुंभ बड़ा क्रोधित हुआ और दैत्यों के सेना नायक धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि तुम अभी अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। अगर उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे मार डालना। तब धूम्रलोचन दैत्य 60,000 सैनिकों के साथ हिमालय पर्वत पर भगवती देवी के सामने पहुंचा और ललकार कर बोला, हे सर्वांग सुंदरी, तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास चल,
नहीं तो तुझे मैं बलपूर्वक घसीटते हुए उनके पास ले जाऊंगा। तब महादेवी भगवती ने कहा, तुम्हें दैत्यों के महाप्रतापी राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बहुत बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, मैं तुम्हारा बिगाड़ ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं युद्ध में परास्त होने के बाद ही कहीं जा सकती हूँ।